नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। आज की इस वीडियो के थ्रू आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं, हैव यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ऐसा मेरे दिमाग में प्रश्न क्यों आया सर? मैं अक्सर देखता हूं और मुझे स्वयं बड़ी ऊर्जा मिलती है जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि ही और शी इज गोइंग टू बी एन एम्प्लॉयर नाउ रादर देन मेयरली बीइंग एन एम्प्लॉय। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में एम्प्लॉय बनने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाता है बनस्पत एम्प्लॉयर बनने के लिए। तो दोस्तों, जब आप एक नए एम्प्लॉयर बनते हैं यानी आप बिजनेस वेंचर लेते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार हम कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू या प्रॉपर गाइडेंस के अभाव की वजह से, जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते और उसकी वजह से अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम फंस सकते हैं। तो ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगा इन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। तो आइए आज के सेशन में इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखता हूं, ताकि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में हेल्प रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं कि हैव यू अप्लाइड फॉर ऑल एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन। क्या आपने सारे जो ड्यू रजिस्ट्रेशन हैं वो ले लिए हैं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सर कि बहुत सी बार हमने बिजनेस तो शुरू किया लेकिन हमें नहीं पता हमारे पे कौन से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहला तो इसका मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने कंसल्टेंट के पास जाइए। आपके कंसल्टेंट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या किसी मान लीजिए मैं यहां पर बात करता हूं सीएमए हो, टैक्स एडवाइजर हो, लॉयर भी हो सकते हैं, वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि आप पर कौन से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होते हैं। से पैन इज अ मस्ट, जीएसटी। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि मुझे जीएसटी कब लेना है। गूगल पर सर बहुत ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप गूगल के ज्ञान को किसी व्यवहारिक रूप में जो डे टू डे प्रैक्टिस करता हो उस प्रोफेशनल की नॉलेज से जरूर मिक्स करिए। बहुत सी बार लोगों पर लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं और वो लेबर लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, फिर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है, वो केस करता है, वहां फंस गए। शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन किसी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के केस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट स्टेट लॉ में होती है, वो भी जरूरी हो सकता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको एफपीओ का लाइसेंस लेना पड़ सकता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन न केवल आपको ऑर्डर सोर्स करने में हेल्प रहेगा, कई बार आपका जब रिकवरी प्रॉपर नहीं होता तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पैसे को रिकवर करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे रजिस्ट्रेशन भी आपको हो सकता है चाहिए हो। कहने का मतलब यह है सर कि आप समझें अपने कंसल्टेंट से कि मुझे कौन से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, और आपने न केवल बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ जो संबंधित एप्लीकेबल प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको ड्यूली लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए। यहां देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं, हैव यू एंश्योर्ड कंप्लायंस ऑफ रेगुलर टैक्स पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा। बहुत सी बार मैं देखता हूं कि बिजनेसमैन बहुत ऊर्जा के साथ अपने बिजनेस में लगते हैं, अपने क्लाइंट सोर्स करते हैं, उनके लिए माल बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, और किसी प्रकार से समहाउ दे आर एबल टू सर्वाइव। लेकिन जब वो सर्वाइवल की इस लड़ाई में जूझ रहे हैं, क्योंकि एक नए बिजनेस में बहुत जूझना पड़ता है सर मैं जहां तक समझता हूं, और इस जूझने में कई बार उनका ध्यान भटक जाता है, तो वो अपनी टैक्स कंप्लायंसेस या रिटर्न फाइलिंग, चाहे वो जीएसटी की हो, इनकम टैक्स की हो, उनसे उनका ध्यान हट जाता है। और आजकल सर जिस प्रकार से हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि आप कोई रिटर्न मत भरिए, आप पर डेली पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप जीएसटी में हैं तो आप पर कंपोजिशन के केस में क्वार्टरली टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, या आप रेगुलर नॉर्मल डीलर हैं तो आपको मंथली जीएसटी पे करना है, इसी प्रकार आपको क्वार्टरली अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी है, एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको करना है साल में 4 किस्त में, यदि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स की 10,000 या उससे ज्यादा हो। बहुत सी बार अगर आपका बिजनेस का स्तर बड़ा है तो टीडीएस कंप्लायंस भी आपको करना पड़ सकता है, ईएसआई पीएफ की रिटर्न आपको समय समय पर भरनी है। कहने का मतलब यह है कि हम कई बार बिजनेस की आपाधापी में अपने कंप्लायंसेस से चूक जाते हैं, और वो कंप्लायंसेस से चूकना बाद में बहुत भारी पड़ता है, यहां तक इस हद तक भारी कि कई बार मैंने देखा है कि आपको बिजनेस इसलिए क्लोज करना पड़ रहा है कि टैक्सेस या इंटरेस्ट पेनल्टीज इतनी लग गई कि साहब बिजनेस के सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया। सो आई होप दिस काइंड ऑफ पॉइंट वंस आई एम रेजिंग हियर वुड बी हेल्पफुल टू यू इन अचीविंग द प्रॉपर बिजनेस अंडरटेकिंग बींग डन बाई यू। हालांकि दोस्तों आप कहेंगे कि ये प्रश्न तो बढ़िया जी आपने अपने से संबंधित रखा है, लेकिन आप समझे सर कि मैं एज अ प्रोफेशनल कितने लोगों को सर्व कर सकता हूं उसकी लिमिट है। कहने का मतलब ये आपके सामने रखना चाहता हूं सर, आप अपने नियर बाय किसी कंसल्टेंट को जरूर अपने साथ रखें।
वो कंसल्टेंट आपको हेल्प करेंगे। अब मैं जब कंसल्टेंट बोल रहा हूं सर, तो कंसल्टेंट कौन हो इस पर भी थोड़ा सा आपको विचार रखता हूं। एक प्रोफेशनल जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, सीएमए हो या टैक्स एडवोकेट हो, लेकिन जिनके अनुभव के बारे में भी थोड़ा सा आपने सर्च किया हो तो गलत नहीं होगा, ताकि आप जब उस प्रोफेशनल के एडवाइस पर बेस होकर चलेंगे तो आप किसी प्रकार के नॉन कंप्लायंस में फंसने से बचें, आप अपने बिजनेस की शेप को सही प्रकार से डिजाइन कर पाए और टाइम टू टाइम उनसे मिलने वाले फीडबैक से आपका बिजनेस सही तरीके से चल पाए, ताकि उस पर किसी प्रकार के नॉन कंप्लायंसेस ना आ जाएं जो बिजनेस के अस्तित्व पर ही संकट लेकर के आए। सो यू मस्ट अवेल प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस। दिस इज अ वेरी सिंसियर एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू यू। अब एक बहुत सरल परंतु महत्वपूर्ण एडवाइस रखता हूं दोस्तों आपके सामने कि आर यू कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू अ करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट। आप बोलेंगे भाटिया जी क्या फर्क पड़ता है मैं सेविंग से करूं करंट से। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरली, इवन जीएसटी भी मैं कुछ हद तक कह सकता हूं, सेविंग बैंक से किए जाने वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते। आप जब एक बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं और उसे एक सही तरीके से आप करना चाहते हैं, व्हाई नॉट यू ओपन अ करंट अकाउंट ऑफ योर्स, क्योंकि करंट अकाउंट बनाई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के लिए। सो यू मस्ट एंश्योर दैट यू हैव अ करंट अकाउंट टू टेक अप योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दिस विल हेल्प यू इन फॉर्म ऑफ अवॉइडिंग द रॉन्ग रेपरकशंस विच आर अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग बैंक बींग यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मेरी सलाह है सर, आप करंट अकाउंट के थ्रू अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दोस्तों मेरा लास्ट सबमिशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सबमिशन है आपके लिए कि आर यू एंश्योरिंग प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ योर ट्रांजेक्शन। बहुत सी बार बिजनेस की आपाधापी में हमारा ध्यान इस पर नहीं होता कि हमने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए या नहीं किए, हमने रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखे या नहीं। रिकॉर्ड कीपिंग सर और भी एक बड़ी टर्म है, जिसमें मैं मानता हूं आपने जो माल खरीदा, आपने जो सेवाएं ली या आपने किसी प्रकार के खर्चों का पेमेंट किया, उनके इनवॉइजेस कहाँ हैं आपके पास में। इसी प्रकार से सर जब आप कोई इनवॉइजेस काट रहे हैं, यानी आपने कुछ माल बेचा सर्विसेज दी, तो क्या वो प्रॉपरली आपने अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए। दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू टू सबमिट ऑल दीज थिंग्स टू योर प्रोफेशनल एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, हु देन कैन अकॉर्डिंगली एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द बिजनेस इन अ प्रॉपर मैनर। तो जब इस प्रकार की कंप्लायंसेज हम नहीं कर पाते, तो ना तो हम प्रोफेशनल को प्रॉपर अपडेट दे पाएंगे जो हमारे लिए ये सारे काम बैकएंड में मेंटेन करते हों, ना ही सर हम एट द एंड ऑफ द डे ये पता चल पाएंगे कि वास्तव में हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। सो आई होप दिस काइंड ऑफ एडवाइस विल बी हेल्पफुल टू यू इन नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्लायंस, बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंश्योरिंग फाइंडिंग आउट कि वॉट आई एम अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। एंड यू कैन ऑल्सो सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज फॉर देयर वेरिफिकेशन। सो अंत में दोस्तों ये कहूंगा कि बिजनेस करने का आपका डिसीजन, प्रोफेशन टेकअप करने का आपका डिसीजन बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ में ये बात जरूर जोड़ता हूँ कि बिजनेस करते समय, प्रोफेशन करते समय सिस्टम की अनुपालना जरूर करिए, लॉस की कंप्लायंस जरूर करिए। यदि आप वो कंप्लायंसेज नहीं करेंगे, तो बहुत सी बार मैंने बिजनेस को प्रोफेशन को इस आधार पर बंद होते देखा कि आप प्रॉपर कंप्लायंस नहीं करने से न केवल टैक्स बल्कि इंटरेस्ट पेनल्टीज के फेरे में आ गए, और वो टैक्स के साथ की इंटरेस्ट पेनल्टीज इतनी घातक होती हैं कि वो आपके बिजनेस को खत्म करने पर आ जाती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, इस दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाई, और आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अपनी उम्मीद पर खरा पाएंगे। साथ ही आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।